हमारे साथ जैसे मैंने बताया कि कृष्णा सर भी जुड़े हैं, तो वो डिजीपे सर्विस के बारे में आपको बताएंगे, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे आपको फायदा है और क्या आपकी कमाई के बारे में भी आपको बताएंगे। सर हमें प्लीज एड्रेस कीजिए। थैंक यू दीक्षांत। नमस्कार सर, सभी वेली भाइयों बहनों को नमस्कार। डिजीपे जैसा कि अभी हमने लास्ट वीक आप सबसे बात किया था और इसमें बताया था कि 7 दिन की ड्राइव होगी, कॉमन ड्राइव होगी, उसमें हमारा जो है हमने डिजीपे में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। कुछ आपके अप्रिहेंशंस थे, कुछ आपकी चिंताएं थी कि कैसे चलेगा, रिफंड्स के इश्यूज हैं, कभी पैसा फंस जाता है, तो वो सब हमने धीरे धीरे रिजॉल्व कर लिया है और अभी हमें जो वेलीज काम कर रहे हैं उनसे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। फिर भी कुछ ऐसा फीडबैक जो इम्प्रूवमेंट करने की बात है वो भी हम ले रहे हैं। ये जो 7 दिन का प्रोग्राम है, बिजनेस के साथ साथ आपसे जुड़ने का भी एक प्रोग्राम है। यहाँ CAC हेड ऑफिस से लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तक सब लोग, हमारा कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेलीज को मिलें, उनको जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं उनको करें और उनकी क्या परेशानियाँ समझें, उस हिसाब से हम लोग अपने सिस्टम में, अपने प्लेटफॉर्म में उसको इम्प्रूवमेंट करें। सो आपसे लोग मिलेंगे, हो सकता है हम सबसे ना मिल पाए, कोशिश करेंगे हम लोग सबसे मिले। 6 लाख वेलीज हैं, जिनसे नहीं भी मिल पाते हैं हम कुछ सोशल मीडिया पे, हमारे जो मेल आईडीज हैं, सबसे ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग अपने फीडबैक हमें जरूर भेजें। फीडबैक आप तभी भेज पाएंगे जब ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ट्रांजैक्शन करिए। कुछ आपको लगता है कि इसको और अच्छा बना सकते हैं उनमें बताइए। 7 दिन हमने रखा है, जैसा कि दीक्षांत ने बताया कि ये त्यौहार का सीजन है, ये हम कुछ हमने एडिशनल बेनिफिट्स रखे हैं डीजीपी में। हम लोग जितने डेली काम करेंगे, सभी लोग, चाहे वो जिन्होंने अभी स्टार्ट कर रहे हैं डीजीपी पे काम करना, हमारे पुराने भी ये हैं, सबको हम 10% एडिशनल कमीशन देंगे ये 7 दिन के ट्राइव के बीच में। तो जो आपको 80% मिलता है उस पर 10% और एडिशनल देंगे। एक त्यौहार की त्यौहार में हमारी तरफ से, CAC की तरफ से एक हमारा तोहफा होगा सभी वेलीज के लिए। मैं जहाँ तक बात करूँ डीजीपे में, दीक्षांत प्रेजेंटेशन लगे। सो डीजीपे हमारे सभी वेली जानते हैं, हमने जो देखा है 5 लाख से ज़्यादा वेली रजिस्टर हो चुके थे आज से 1 साल पहले तक। तो डीजीपे जो नए लोग हैं उन्हीं को हमें बताना पड़ेगा, बाकी सारे वेली हमारे जानते हैं डीजीपे में क्या है, कैसे होता है, किस तरह की ट्रांजेक्शन हैं। तो फिर भी मैं जो नए लोग जुड़े उनके लिए बता देता हूँ कि डीजीपे में अभी क्या क्या चीज़ें हैं। तो डीजीपे में जैसा कि हमने आधार से शुरू किया था, तो आधार इतनी भी ट्रांजैक्शन है, आधार से कैश विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट शुरू करने वाले हैं, बैलेंस इंक्वायरी होती है, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और हमने लाइट में आधार पे भी शुरू कर दिया है। तो अगर किसी को पेमेंट एक्सेप्ट करना है, कोई कैश लेके नहीं आ पाया है, तो आधार से भी पेमेंट कर सकता है, तो ये सुविधाएँ हमने इसमें दी हैं। इसके अलावा माइक्रो ATM, हमारे कुछ 60,000 वेली माइक्रो ATM यूज़ करते हैं। माइक्रो ATM में डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, गांव में देखिए जनधन जो खाते खुले थे उसमें सरकार का निर्देश था कि सबको ATM कार्ड दिए जाए, ATM कार्ड मिले, बट नेटवर्क ना होने पर वो एक्टिवेट नहीं हो पाए या वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। तो हमारी कोशिश रही है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें सभी वेली पे, जहाँ पे लोग अगर आधार में कुछ प्रॉब्लम आती है, जहाँ तक आप लोग जानते हैं आधार में भी कुछ जो भी फ्रॉड्स हुए थे उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगने लग गई हैं, तो डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बैंक जिनमें आधार का ट्रांजैक्शन नहीं होता पर ATM कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रहा है, उन कस्टमर्स को सर्विस करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई थी, सभी वेलीज के पास माइक्रो ATM होना चाहिए। 60,000 लोग ले चुके हैं माइक्रो ATM ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बाकी जो बच्चे उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि माइक्रो ATM सर्विस लें। हमारा कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, अगर APSC नहीं होना तो ATM से ट्रांजैक्शन करें, कैसे पैसे विड्रॉ करें। ज़्यादा आप सभी लोग जानते हैं अभी त्योहारों का सीजन है, लोग घर जाते हैं, बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो शहरों में रहते हैं घर जाते हैं, कैश लेके जाते हैं, चोरी होने का डर रहता है। तो अब जो डिजिटल पेमेंट आने से इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो लोग जाके उनको पता है गाँव में भी VLE के पास पैसे निकाल सकते हैं। तो अब लोग छुट्टियाँ हैं, दिवाली पे, छठ पे लोग घर पहुँचेंगे और उनको कैश की ज़रूरत होगी, तो हम पहले से बता के रखते हैं, ये उनको पता हो कि हमारी VLE पे सुविधा उपलब्ध है, ATM कार्ड से चाहे आधार से कैसे भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं हमारे सिस्टम पे। तो ये एक बातें हमारे अपने जहाँ भी जिस पंचायत हमारे के लिए सबको पता होना चाहिए। हमारे जो जो हमारे गांव के जो साथी बाहर काम करते हैं वापस आएंगे,
उनको पता होगी और आपके ट्रांजेक्शन चल रही है। ये एक ट्रांजेक्शन का सीजन है, ये दिवाली से लेके छठ तक चलता रहेगा और हमें कोशिश करनी है कि हम ट्रांजेक्शन मैक्सिमम डीजी पे करें। और कोई भी आता है डीजी पे में, अगर मान लीजिए किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, डीजी पे लाइट है, तो आप सभी वेली से रिक्वेस्ट है डीजी पे के साथ साथ डीजी पे लाइट भी रखें, इन केस अगर डीजी पे में कुछ प्रॉब्लम आती है, डीजी पे लाइट में कुछ प्रॉब्लम, तो दोनों में कोई ना कोई तो चलेगा। ट्रांजेक्शन करें, कोई कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर भी है, बहुत सारे लोग त्यौहार में अभी पैसे भी भेजते हैं, तो जो अर्बन वेलीज हैं, मोस्टली जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे वेली है जहाँ पे इंडस्ट्री लगी है, लोग काम करते हैं, हमारे जो कुछ कस्टमर्स ऐसे आएंगे जो अपने घर जाने के पहले पैसे भेज देंगे, त्योहारों में घर भेजते हैं पैसे, तो उनको आप टैप करें, उनसे बताएं कि आपके यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है, आपके यहाँ से मनी ट्रांसफर हो सकता है, गाँव में अपने घर में अपने रिश्तेदारों को पैसा भेज सकते हैं लोग। तो इन चीज़ों का आप लोग फ़ायदा उठाइए। आपको जहाँ तक मालूम हो, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक एक स्कीम और चल रही है जिसमें DMT पे भी हम लोग 10% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं 30 नवंबर तक, तो उसका भी लाभ उठाएं, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करें DMT में। फीचर्स बता दूँ डीजी पे में जो एनहांसमेंट्स हैं, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, बहुत पहले से था, उसको और सिक्योर करने की कोशिश करी है उसमें। अभी आपको पता है डीजी पे में आयरिस से भी लॉग इन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आयरिस इसलिए ले आए थे, सिक्योर है, बायोमेट्रिक जो लोग चोरी होती है डुप्लीकेट करते हैं वो नहीं होगा, तो हम सब लोग सेफ रहेंगे उसमें, और कि कोई किसी तरह का हरासमेंट नहीं करेगा जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है। सो आयरिस का उपयोग करें, आयरिस बहुत सेफ है, और उन कस्टमर्स के लिए भी अच्छा रहेगा जिन कस्टमर जो डेली वेजेस खेतों में काम करते हैं, विनीशियस मिल जाते हैं, उनको आयरिस से ट्रांजेक्शन करें। फिर डीजी पे प्लेटफॉर्म विंडोज और एंड्रॉयड दोनों पे काम करता है, जिनके पास मोबाइल है मोबाइल पे काम करें, जो विंडोज पे काम करते हैं लैपटॉप पे वो उसमें भी काम करते हैं। क्लाइंट एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो भी वेलीज हैं अपना ID जाके डाल के एक बार रजिस्टर करके और काम शुरू कर सकते हैं। ओनली ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग डीजी पे। कमीशन आप जानते हैं, हमारा 80% फ्लैट कमीशन सभी वेलीज को देते हैं, और जो काफ़ी हद तक इंडस्ट्री में बेस्ट पे आउट, और DMT में भी अभी हम 90% दे रहे हैं नवंबर तक, उसका फ़ायदा उठाइए। DSP वॉलेट रिचार्ज, जिसकी कोई फीस नहीं लगती, अभी DSP वॉलेट टॉपअप करते हैं आप, कुछ गेटवे चार्जेस लगते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता था आपको। आप जो वीएली बिजली का बिल कलेक्शन करते हैं या इंश्योरेंस प्रीमियम, जहाँ पे उनका कैश बहुत ज़्यादा आता है, वो क्या करते हैं कि कैश जाके ब्रांच में जमा करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर 1% 1,000 रुपये का आपको मिलता है, तो वो होता है आपका 10 रुपया, और उस 10 रुपये में आपको मिलता है, जब वो कैश इकट्ठा होता है आप उसको जाते हैं बैंक में जमा करते हैं, जहाँ बैंक आपसे कैश हैंडलिंग चार्जेज 0.5% लेता है। तो आपका जो इनकम हुआ उसमें आपका 0.5% तो आपको कैश हैंडलिंग चार्जेस देने पड़े, प्लस आपको काम छोड़ के या किसी को भेजना पड़ा बैंक तक जमा कराने के लिए, और जमा करा के फिर आप वॉलेट टॉपअप करते हैं, वॉलेट टॉपअप करने में भी 0.35% से लेके 0.62% आपका चार्ज लगता है। और आपका अगर डायरेक्टली देखें तो आप जितना 1% आपको मिला है उससे ज़्यादा आप खर्च कर देते हैं। आप डीजी पे में काम करते हैं, जो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है अगर उससे टॉपअप करते हैं, उसमें आपको कोई फीस नहीं लगती, आपके पास कैश आया वही कैश आप लोगों को जो भी विड्रॉल करने हैं उसको दे देते हैं, तो 1% वो प्लस 0.5% इस पर आपको इनकम होती है, तो 1.5% का इनकम है, और वॉलेट टॉपअप करने में आपको कोई चार्ज नहीं लगता। तो जहाँ आपको आपका जो कन्वेंशनल प्रोसेस है, आप कैश लेते हैं फिर बैंक में जाके जमा करते हैं फिर पेमेंट गेटवे के थ्रू वॉलेट टॉपअप करते हैं, उसमें एक तरीके से आपका 0 पे आ जाता है आपका इनकम। डीजी पे से करते तो इनकम आपकी बढ़ जाती है, और जो कैश हैंडलिंग चार्जेस आप दे रहे हैं, बहुत सारे वीएली इनकम टैक्स का जो 194N वाला आता है उनको नोटिस, उससे बच जाते हैं, वो कैश आता है कैश बांट देते हैं, रोटेशन होता है कैश का, तो जितना रोटेट होगा कैश उतनी इनकम आपकी बढ़ेगी। तो आप डीजीपे को डिजिटल सेवा पोर्टल जो है अगर टॉपअप करने के लिए यूज करते हैं, तो आपकी इनकम भी बढ़ती है, आपका टाइम भी बचता है, आपको जो चार्जेस देने पड़ते हैं बैंक को और गेटवे को वो नहीं देना पड़ता है। तो आप इससे मैक्सिमम रिचार्ज करें, और रिचार्ज करने का तरीका है आप ट्रांजेक्शन करें, आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, उस बैलेंस को यूज करें। माइक्रो ATM भी सर्विस, जैसा मैंने आपको बता दिया था, माइक्रो ATM है डीजीपे की, एक तो मेगा ड्राइव चल रहा है, जब हम लोग जाएंगे आपसे इसके बारे में बात करें, आपकी समस्याएं सुनेंगे, जिनको नहीं पता उसके बारे में डीजीपे के बारे में बताएंगे,
अभी फेस्टिव ऑफर चल रहा है, डीएमटी पे हम लोग 10% एडिशनल कमीशन दे रहे हैं नवंबर तक, उसका भी आप लाभ उठाएं। और 10% जो हम 1 से 7 के बीच में जो ड्राई होगा उसमें सभी वीएलई को 10% एडिशनल कमीशन सारी ट्रांजेक्शन पे देंगे।